हेलो मॉमीज़, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हॉट शॉट टॉपिक के बारे में, जो है डायपर्स। मुझे लगता है कि हर मॉम को, न्यू मॉम को ये कंसर्न करता होगा, क्योंकि हम पुरानी बातें सुनते हैं, एल्डर्स की बातें सुनते हैं, वो डायपर्स के बारे में कुछ और कहते हैं, फिर हम अपने तरीके से चलते हैं, फिर हम गिल्टी फील करते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डायपर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो अगर आप एल्डर्स का व्यू देखेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, डायपर जो है वो बहुत अनसेफ होता है, बच्चे के पैर चौड़े हो जाते हैं। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि बच्चे में इनफर्टिलिटी आ जाती है अगर आप डायपर पहनाते हैं। तो पता नहीं अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन जो मैंने अभी तक, इवान 6 मंथ्स का होने वाला है, और जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया, अगर बच्चे को ढंग से एक रूटीन के साथ डायपर में रखा जाए तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बात करते हैं कि डायपर्स क्या हैं, कितनी वैरायटीज़ में अवेलेबल हैं, कैसे बच्चे को कितना गैप के साथ रखें, और क्या क्या हम मेथड्स फॉलो कर सकते हैं जिससे बच्चे को कम से कम नुकसान हो अगर हम डायपर पहना भी रहे हैं। तो सबसे पहले जो डायपर्स हैं वो 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। एक तो डिस्पोजेबल डायपर्स, जो हगीज, पैम्पर्स और मैमी पोको पैंट्स, इन सब के आते हैं, और एक होते हैं क्लोथ डायपर्स। अब इनकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। क्लोथ डायपर्स जो होते हैं वो बहुत बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे ने निक्कर टाइप ही कोई चीज़ पहनी हुई है, और वो बिल्कुल कंफर्टेबली रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई रैश भी नहीं होता, और अपने हिसाब से जैसे वो कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं होते। अगर एक डायपर 600 का होता है तो आपको उसको रीयूज़ करके आप उसकी वैल्यू आसानी से वापस ले सकते हैं। तो क्लोथ डायपर के तो ये फ़ायदे हैं। और जो डिस्पोजेबल डायपर्स होते हैं वो जो है बच्चे को रात में लगा सकते हैं, अगर पूरे दिन आप उसमें रखेंगे तो उसमें रैश की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी हाई होती है, बच्चा थोड़ा अनकंफर्टेबल सा भी फील कर सकता है, उसकी स्किन थोड़ी, जो मैंने इवान के साथ महसूस किया, जो डायपर एरिया वाला पोर्शन है उसका थोड़ा सा काला काला सा हो गया है डायपर की वजह से। जो क्लोथ डायपर्स हैं, अगर वो बच्चे ने पॉटी कर दी, सुसु वो आराम से 3-4 घंटे चल जाते हैं, सुसु उसके अंदर एक इंसर्ट आता है, वो अपने अंदर सुसु को सोखता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर बच्चे ने पॉटी कर दी तो इमिडिएटली निकाल के उसको धो दो, सुखा दो और फिर यूज़ कर लो। और जो डिस्पोजेबल डायपर्स होते हैं वो तुम उठा के फेंक दो और वाइप से साफ़ कर दो या बच्चे को धो दो, और वो थोड़ा पोल्यूशन वगैरह भी क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये 2 कैटेगरीज हो गई, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी था, एक है डिस्पोजेबल डायपर्स और एक क्लोथ डायपर्स। अब बच्चे को किस तरीके से रखें, हम इवान को रखते हैं कि हम पूरे दिन, मैंने 5 डायपर्स का सेट मंगाया हुआ है क्लोथ डायपर्स का, अगर आप चाहें तो मैं लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं नीचे से, और वो हम 3 से 4 घंटे एक क्लोथ डायपर चलता है। तो हम हर 4 घंटे में 1 घंटे का गैप देके, मान लो एक डायपर हमने पहनाया और उसके बाद हमने उसको आधा घंटा 1 घंटा फ्री छोड़ दिया, कोई डायपर यूज़ नहीं किया, जो वो अच्छे से एयर ड्राई हो गया, थोड़ा खेल दिया या फिर सो गया, उसको नींद आ गई, तो हम फिर दोबारा क्लोथ डायपर 1 घंटे बाद लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे, अब गर्मी है तो बच्चा जो है वो सुसु वगैरह ज़्यादा करता है, तो सारे के सारे क्लोथ डायपर्स 5 या कई बार 4 के आसपास यूज़ हो जाते हैं। और डिस्पोजेबल डायपर हम लोग यूज़ करते हैं रात के टाइम में, जब वो सो जाता है 11-12 बजे के आसपास, तो हम डायपर लगा देते हैं और 5-6 घंटे 7 घंटे डायपर आसानी से चल जाता है। तो ये तो है एक रूटीन जो अगर आप फॉलो करना चाहें तो बच्चा आराम से बहुत कंफर्टेबल रहता है इस वाले रूटीन में। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे को रैश हो गया है तो फिर हम उसको कैसे सही करें, या फिर हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि बच्चे को रैश ही ना हो। जब आप डायपर उतारें तो बच्चे को थोड़ी देर खुला रहने दें, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। ऐसा नहीं कि अपने बैक टू बैक आप डायपर लगाते जा रहे हैं, या तो वो क्लोथ डायपर हो या डिस्पोजेबल डायपर हो, दोनों ही केसेस में बता रही हूँ, बैक टू बैक डायपर्स ना लगाएं, थोड़ा सा बच्चे को आराम से रहने दें, खुला छोड़ें, आधा घंटा घूमने दें। गर्मियों में तो आराम से बच्चा 1-2 घंटा घूम सकता है। बेड प्रोटेक्शन शीट ले लें, बच्चे को उस पर लिटा दें, तो अगर सुसु वगैरह करेगा भी तो आपके गद्दों में सुसु नहीं जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। अगर आप, जब आप डायपर निकाल रहे हैं और आपको बैक टू बैक डायपर पहनाना ही है, आपको कहीं बाहर जाना है या कुछ है, तो आप कोकोनट ऑयल वहाँ पे उस पोर्शन में अप्लाई कर दें और आराम से दोबारा डायपर पहना दें। वो कोकोनट ऑयल जो है वो एक लेयर की तरह काम करेगा और बच्चे को रैश होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। थोड़े बड़े साइज़ का डायपर लें, मतलब हमेशा एक साइज़ बड़े में ही इन्वेस्ट करें डायपर में, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, बच्चा भी थोड़ा खुला खुला रहता है, बच्चे को रैश, अगर वो टाइट रहेगा तो उसको रैश होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। और आपने एक डायपर लगा दिया और आपने छोड़ दिया, फिर आप क्लोथ डायपर है, उनके लिमिट 3 से 4 घंटे होती है, और आप 7-8 घंटे में चेंज हो रहे हैं, बच्चे को कोल्ड भी हो सकता है और वो रैश तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है अगर आप उसको लगा के छोड़ देंगे। तो डायपर्स जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें।
अब बात करेंगे कुछ डायपर हाइजीन रूल्स के बारे में जिन्हें आप फॉलो करेंगे या न्यू मॉम्स जिन्हें फॉलो करेंगी तो इट विल बी वेरी वेरी नाइस। सबसे पहले तो एक अच्छा डायपर चूज़ करें, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में डायपर के, एक बढ़िया वाला डायपर आप अपने हिसाब से ट्राई करके देख सकते हैं। या फिर अभी तो हम पैम्पर्स प्रीमियम केयर यूज़ कर रहे हैं, मुझे वो डायपर अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी काफ़ी डायपर्स ट्राई किए, सबसे पहले हमने मैमी पोको पेन ट्राई किया, फिर हमने हगीज़ के दो ट्राई किए, फिर पैम्पर्स का ड्राई एक्टिव ट्राई किया, उसके बाद हमने प्रीमियम केयर किया, तो अभी हम प्रीमियम केयर पर टिके हुए हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरा, क्लीनिंग और चेंजिंग का ध्यान रखें, फ्रिक्वेंटली चेंज करें, जब चेंज करें तो बच्चे को थोड़ा सा ड्राई होने दें, ऐसे ही ना फेंके डायपर को, डिस्पोजेबल डायपर से जो है वो पोल्यूशन वगैरह होता है, और डिस्पोजिंग जो है वो डायपर की ढंग से होने चाहिए। तो ये कुछ रूल्स से अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो बच्चा भी कंफर्टेबल, आप भी कंफर्टेबल, एंड योर लाइफ विल बी वेरी वेरी नाइस। तो अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब कर देना, और एक बेल आइकन भी है उसके पास में, अगर मेरी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो उसको भी प्रेस कर देना, लाइक करना वीडियो को अगर पसंद आई तो, और शेयर भी कर देना, और मैं मिलती हूँ आपसे आगे वाली वीडियोज़ में।